ये इसलिए एरर आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना फेल टू पुश सम रेफ्स, इसका जी मतलब ये जी होता है कि आपने github.com पे जाके ना वहाँ पे कुछ डायरेक्टली चेंजेस कर दिए हैं, तो अब ये आपको यहाँ से नहीं पुश करने देगा। अच्छा हाँ, इसके लिए आपको लिखना पड़ता है गिट पुल करें ज़रा यहाँ पे, यहाँ पे इधर आपने उधर ही नहीं github.com पे आपने क्या डायरेक्टली जाके कोई चेंजेस किए हैं हाथ से अपने? इधर तो मैंने डायरेक्टली वो मेन से नॉन भी कर दिया था जो आपने बताया सेटिंग में जाके। नहीं वो तो उसकी तो खैर है, वो वाली चेंजेस की बात नहीं हो रही। कोड में कुछ चेंजेस किए हैं क्या आपने? इसको वापस मेन पे कर दें, वापस मेन पे कर दें इसको। इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अच्छा एक बार अच्छा इसको आप कर दें मेन पे और ये इसको उधर ही रहने दें, फिर वो ऑटोमेटिकली उसको जो है ना होस्ट करता रहेगा। अच्छा, अब कोड में जाइएगा ज़रा, कोड में कोई चेंजेस किए हैं क्या आपने? अच्छा, यहाँ पे वैसे आप लिख दें, यहाँ पे आप लिख दें गिट पुल। एक मिनट एक मिनट, ज़रा अपने टर्मिनल को बड़ा कीजिएगा, ऊपर भी कुछ एरर मुझे दिख रहे हैं आपके, जिसमें आपने शायद कमिट की स्पेलिंग गलत लिखी है। स्क्रॉल कीजिएगा इसको ऊपर की तरफ, ये स्क्रॉल बार आ रहा है ना, इससे कर लें, ये आपने काफ़ी ऊपर कर दिया। हाँ, ये देखें, आपने जो कमिट की स्पेलिंग लिखी है ना, COMMIT लिखा है आपने, ये नहीं है, COMMIT है। इसने देखें सजेशन में बताया भी है, एरर के मैसेज में ना इसने कहा द जी मोस्ट जी सिमिलर कमांड इज़ दिस, तो अच्छा फिर ये दोबारा शायद करूँ आपने गेट कमांड ऐड, गलत लिखी थी, इस वजह से आया एरर आपके पास। दोबारा करूँ गेट ऐड जी डॉट जी दोबारा गेट ऐड, वो तीनों दोबारा स्टेप रिपीट करें आप। कर दूं। हाँ, पुश कर दें उसको। अच्छा, ये अभी भी एरर दे रहा है, स्टिल कह रहा है कि जो है ना वहाँ पे आपने कुछ इसमें इस एरर में ना आपको फिर चलाना होता है गिट पुल, ताकि github.com पे डायरेक्टली जो चेंजेस हुई हैं वो इधर आ जाएं, गिट पुल की कमांड चलाएं, एंटर कर दें बस। सही है, तो जो चेंजेस आपने उधर की हुई थी ना वो जी इधर आ गई हैं अब। सही है, अब पुश करेंगे, ये पुश हो जाएगा, दोबारा गेट ऐड शुरू से नहीं सिर्फ गेट पुश करेंगे अब आप। अपडेट वाज रिजेक्टेड बिकॉज द टिप ऑफ योर करंट ब्रांच इज बिहाइंड इट्स रिमोट काउंटर पार्ट, इंटीग्रेट द रिमोट चेंजेस गेट पुल बिफोर पुशिंग अगेन। अच्छा, ये गेट पुल जो हमने किया है वो सही तरह हुआ नहीं है शायद, एक दफ़ा गेट पुल की मैं वो पढ़ लूँ। रिमोट इमर्जिंग ऑब्जेक्ट काउंटर पार्ट 100% डन, 100% टोटल 9-2 रीयूज 10 Δ1, 9 आउट ऑफ 9। मर्ज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कॉन्फ्लिक्ट, एड एड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड। अच्छा, ऑटोमेटिक मर्ज फेल हो गया आपका ना, यानी गिट पुल सही हो नहीं पाया। फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन अच्छा कमिट द रिजल्ट। असल में ये आपने ना जब जो डायरेक्ट जाके github.com पे जो चेंजेस किए ना वो आपने सेम लाइन पे कर दिए जो आपने यहाँ से चेंज किया है, सेम लाइन में आपने यहाँ भी चेंज किया और वहाँ भी चेंज किया, अब वो कन्फ्यूज़ हो रहा है कि कौन से वाले पे मैं करूँ, ठीक है, वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो तो इसका एक आसान सॉल्यूशन सा हल तो ये है कि आप ये जो आपने क्लोन लिया ना इसको आप डिलीट करके नया क्लोन ले लें और उसमें आप चेंजेस कर लें, ठीक है, एक तो हल ये है इसका, बहुत ही सिंपल है। जो दूसरा हल ये है कि अच्छा इसमें कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ होगा, अभी आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल खोलेंगे ना तो उस लाइन पर वो जी कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ होगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें कॉन्फ्लिक्ट को, ये टर्मिनल को बंद करें, अंदर कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ होगा। यहाँ पे किसी एक लाइन में ना वो एरो एरो सा बना हुआ होगा, करें ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल। तेरा हाँ नहीं, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, और ऊपर जाए,
अच्छा यार पता नहीं कहाँ गया वो, वापस जाएँ ज़रा नीचे जहाँ पे रेड आ रहा था वहाँ पे देखें। इस रेड पे ज़रा क्लिक कीजिएगा, क्या कह रहा है ये। नहीं ये नहीं है कुछ। ये सर मैंने ऊपर गलती से शायद एस भी डाला हुआ है इसकी, तो वो तो नहीं छोटा सा नहीं एस। हाँ चलें इसको भी हटा दें, लेकिन इसकी इससे वैसे कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है आप इसको ना डिलीट करके नया क्लोन ले लें, क्योंकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट आया ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम ना विजुअल सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्ट ग्रिड के नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है ना। तो फिलहाल जी अभी उन चक्करों में हम नहीं पढ़ते, अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप ना इस को, इस वाले जो क्लोन को ना आप डिलीट कर दें और वहाँ से नया क्लोन ले लें आप। अच्छा, दोबारा से शुरू से और फिर वही वेबसाइट से कोड कॉपी करके। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ आपको ये, इसके आप जाएँ github.com पे, जाएँ github.com पे जाके ना वो ज़रा जो, हाँ अपनी रिपोजिटरी के मेन पेज पे जाएँ। अच्छा ये ग्रीन कलर का जो कोड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके ये URL आ रहा है, इसको कॉपी कर लें। सही है। और अब जाके जहाँ पे पहले आपने क्लोन लिया था ना, उससे मुख्तलिफ जगह पे, दूसरी जगह पे आप क्लोन ले लें। नहीं किसी मुख्तलिफ जगह पे लेना पड़ेगा आपको, सेम जगह पे लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, सेम नाम से वो दो फोल्डर हो जाएंगे ना। अच्छा, दैट सीडी माय फर्स्ट। आपको डेस्कटॉप पे आके ना एक नया नया फोल्डर वगैरह बना के कुछ करना पड़ेगा। डेस्कटॉप आपके पीछे आना पड़ेगा आपको डेस्कटॉप के लिए, आप ऑलरेडी इस वक्त डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है वहाँ पे आप खड़े हैं। यहाँ पे एक फोल्डर हाथ से बना लेना डेस्कटॉप के ऊपर, इसको न्यू फोल्डर का नाम दे दें बस। हाँ बस दैट सेट, इसके अंदर चले जाएँ। अब यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लें। हाँ यहाँ पे गेट क्लोन और वो पेस्ट कर देंगे URL। ठीक है CD करके इसके अंदर चले जाएँ इस रिपॉजिटरी के, और कोड स्पेस डॉट करके इसको आप विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लें। ये आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की आपकी फ़ाइल आ गई ना, अब इसमें करें जो भी चेंजेस आपने करनी है। ठीक है आपने डायरेक्ट गिटहब डॉट कॉम पर जाके कोई चेंजेस नहीं करनी, हमेशा आपने यहीं से करनी है चेंजेस। सही। अच्छा अब आपको वो वाली फ़ाइल जो आपकी लेटेस्ट है ना, जो आप इससे पहले खोली थी आपने, जी उस फाइल में ज़रा जाइएगा, तो वहाँ से इससे पूरा पहले एच, वाली, हाँ जो इससे पहले आपने ओपन की हुई थी, ये तो वही फाइल है। हाँ ये वो फाइल है, इसको इस कंट्रोल ए करके ना पूरा कॉपी कर लें इसको, जी, कॉपी हुआ हुआ है। पूरा कंट्रोल ए करके कॉपी करके और इधर लाके आप कंट्रोल ए करके इसको पेस्ट पहले कर दें। डिलीट कर दूं? इसको कंट्रोल ए प्रेस करें, हाँ बैक स्पेस और पेस्ट कर दें। दोबारा कॉपी करना होगा शायद, सही कॉपी नहीं हुआ। कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल ए पेस्ट। जी अच्छा अब टॉप पे चलिएगा, ये वही सेम फाइल हो गई है। ये एक कैरेक्टर छोड़ कैसे देते हो तुम ऊपर। अच्छा हाँ चलो अब इसको सेव करो, अब पुश करो, हो जाएगा ये। टर्मिनल से पुट कर दूं? गेट पुश, सही है पुश हो गया ये। जी अब वो ये तुम्हारी जो पुरानी रिपॉजिटरी थी ना, उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दो, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जाओगे ना गिटहब डॉट कॉम पे, तो वो चेंजेस तुम्हारी वहाँ पे पहुँच चुकी होंगी। अच्छा,
फोर कमिट्स यहाँ पे शो हो रहे थे, अब इसको रिफ्रेश करो, फाइव कमिट हो जाएंगे ये। ठीक है। अच्छा आप टॉप पे जाओ, ये जो हाँ मेन मेन रिपोजिटरी के मेन पेज पे जाओ। हाँ अब देखो ये जो ब्राउन कलर का एक डॉट आ रहा है ना, पांच कमिट हो गए, ये ब्राउन कलर का जो डॉट है ना, इसका मतलब है वो होस्टिंग वाला जो प्रोसेस है अभी तुम्हारा वो कर रहा है, अभी इन प्रोग्रेस है वो, ठीक है। ये जैसे ही ग्रीन हो जाएगा तो तुम्हारे जो पहले वाला यूआरएल था ना उसी पे ये अपडेट हो जाएगा। इसमें अबाउट में यूआरएल का वो लगाओ, अबाउट में जाके ना यूआरएल का वो लगाओ, यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करो अपना। हाँ यूआरएल पहले तो मैं कंट्रोल ए करके बैक स्पेस किया करो, कंट्रोल ए किया करो बैक स्पेस। हाँ अच्छा कॉपी करना पड़ेगा, हाँ दोबारा जाके यूआरएल कॉपी करो वहाँ से, यहाँ से थोड़ी होगा, यूआरएल कहाँ से कॉपी करते थे, जो होस्टिंग वाला पेजेस गिटहब पेजेस वाला जो यूआरएल है यहाँ से सेटिंग में जाते थे ना रिपोजिटरी के, और पेजेस के पेजेस के उस पे जाते थे, ये है ना होस्टिंग। हाँ ये होस्टिंग यूआरएल है, विजिट का बटन दबाओ, सही है, वेल डन यार क्या बात है। इस यूआरएल को कॉपी करके वहाँ साइट पे अटैच कर दो, सही है। जी अब इस रिपोजिटरी का लिंक उठा के मुझे भेज दो यहाँ पे सही चैट में। अच्छा किसी और को कोई प्रॉब्लम कोई इशू लास्ट क्लास से मुतालिक? अच्छा मेरे पास असाइनमेंट के लिंक उतने नहीं आए हैं जितने लोग हमारे पास कनेक्टेड हैं, एक दो तीन चार पाँच, सिर्फ पाँच मेरे पास असाइनमेंट के लिंक्स आए हैं जो कि मैंने अभी तक खोले नहीं है। इसको मैं खोल के देखता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों से भी मैं, ताकि अगर मैं कोई फीडबैक दूँ तो आपको पता चले कि कहाँ पे देख रहा हूँ मैं। अच्छा असद अहमद ख़ान, अच्छा यार इसमें आपने लिस्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, जो अनऑर्डर लिस्ट है जो बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं किया आपने, तो काफ़ी शॉर्ट सी आपने सीवी बनाई है, इसको कंप्लीट कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद हमारे पास अली करीम हैं, अली करीम ने देखें जैसे कंप्लीट बनाई है सीवी ऊपर से नीचे तक, इन्होंने एक टेबल का भी इस्तेमाल किया, वेल डन यार, एकेडमिक्स के लिए इन्होंने टेबल का इस्तेमाल किया, बहुत ज़बरदस्त। समीर अहमद आपने भी जो है ना वो काफ़ी शॉर्ट सी सीवी बनाई है, उसके अलावा आपने हेडिंग में भी हेडिंग लगा दी है और अपने नाम में भी हेडिंग लगा दी है, ठीक है। हेडिंग जो है वो बड़ी बड़े साइज़ में होती है और आपका जो नाम वगैरह होता है वो एटलीस्ट उससे थोड़ा सा छोटा होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, और ये सारा कैपिटल में लिखने से ना ये भी गड़बड़ होती है, देखिए ना आपने एक्स वाई जी कराची लिखा हुआ है, ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है। और आपने बुलेट पॉइंट्स भी यूज़ नहीं किए, कुछ एक दो एक्स्ट्रा मार्कअप आपने यूज़ करना था ना वो आपने नहीं किया, वेल तो वो आप कर सकते हैं बाद में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दानिश है उसके बाद हमारे पास, और उसके बाद दानिश ने तो बहुत ही अच्छा बनाया यार, वेल डन दानिश, लेकिन बुलेट पॉइंट्स दानिश ने भी यूज़ नहीं किया। ये इस तरफ कैसे लेकर गए दानिश तुम इसको, ये जो टेक्स्ट तुम्हारा दूसरी साइड पे आ रहा है ये कैसे किया तुमने, देखते हैं ज़रा कैसे किया। ओहो अलाइन टेक्स्ट लगाया, गुड यार वेल डन। सही है यार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। पेज सोर्स
अली करीम और दानिश, इन दोनों का कोड देख के लग रहा है कि इन्होंने टाइम लगाया है, लेकिन बाकी लोगों का कोड देख के मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लोगों ने कुछ इस पर टाइम लगाया है ज़्यादा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास वासिक हैं। वासिक ने भी अच्छा बनाया है, बुलेट पॉइंट्स का भी यूज़ किया और सीवी कंप्लीट बनाई है। और कोड भी काफ़ी क्लीन लिखा है वासिक ने। आपको भी ना ऐसा ही क्लीन कोड लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं अली बंगश। अली बंगश ने भी काफ़ी अच्छी सीवी बनाई है, काफ़ी सारे मार्कअप्स का इस्तेमाल किया है उन्होंने। वेल डन यार। अच्छा भाइयों, बाकी लोगों की क्या रिपोर्ट है अलाइनमेंट से? जी सादिक। वो सर मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, बनने के लिए गया हुआ है, शाम तक आएगा तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। ठीक है जी, सादिक का तो लैपटॉप ख़राब है। और बाकी लोग, हमारे पास 17 लोग कनेक्टेड हैं इस वक्त। सर मैं बना नहीं सका सर, अभी मैं बना ही रहा था, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और क्या रीज़न हुआ क्यों नहीं बना सके? सर पेपर से लेते, उसकी तैयारी कर रहा था यार। मेरा नहीं ख्याल के शायद कोई आधे एक घंटे से ज़्यादा का काम था ये, क्योंकि मैंने अब वीडियो देखते जाते और अगर उसको हाथ से लिखते जाते ना तो भी बन जाता। वेल चलो ठीक है, तुम बना लेना। और चलो, दो लोगों ने एक्सक्यूज़ बताया, एक का लैपटॉप ख़राब था, दूसरे को पेपर की मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिला। और बाकी लोग, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमारे पास तकरीबन 17 लोग कनेक्टेड थे, और लिंक मेरे पास अभी तक 6 लिंक आए हैं सिर्फ। सर मेरे पास तो एरर आ रहा था, मैं अभी इसको कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह, आज शाम तक आपको सबमिट। हाँ अभी दिखाओ ना, एरर ही सॉल्व करने तो बैठा हूँ मैं यहाँ पे। जी जी कर रहा हूँ सर, वो क्रोम डाउनलोड मुझे मिल नहीं रहा कि कहाँ से इसको निकालूं। अच्छा करो, स्क्रीन शेयर करो, बता देता हूँ ना, मैं गाइड कर देता हूँ तुम्हें। ये आ गया ना डाउनलोड नाउ, डाउनलोड कर लिया है सर। वो हाँ ये रहा ना, डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर, ये असल में तुमने फुल स्क्रीन किया हुआ है ना, इसको फुल स्क्रीन से हटाओ ना, ये ब्राउज़र को। इसमें असल में फुल स्क्रीन थोड़ा डिफरेंट तरह का होता है विंडोज से। अच्छा अभी ओपन हो रहा है। सर ये सफारी पे क्यों नहीं आता ये जो मैंने अभी किया है? नहीं, मैं सफारी पे, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, सफारी पे आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप गूगल क्रोम यूज़ करें, ठीक है। जी, क्योंकि जी, मैं आपको गूगल क्रोम में बताता हूँ ना, सफारी में देखें बटन भी चेंज है सारे, डेवलपर ऑप्शंस भी चेंज है, सब कुछ अलग है उसके अंदर, ठीक है। तो डेवलपर्स वैसे सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम को ही यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के दौरान, तो इसलिए हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये कि फिर मैं आपको गूगल क्रोम पे बताऊंगा ना, आप सफारी पे करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको फिर वो सेम ऑप्शन आपको उस पर मिलेंगे नहीं, जो जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना, आपको वो ऑप्शन सेम उस पर नज़र नहीं आएंगे। अच्छा इसको आप कर दें, इंस्टॉल कर दें, एंटर कर दूं? नहीं, इसको गूगल, जो गूगल का ये आइकन बना हुआ है ना, इसको ड्रैग करके आप इसमें एप्लीकेशन के अंदर लाके छोड़ दें, ठीक है। ये दो दो बार आ गया, डबल डबल एक डिलीट करते, एक को उस ऊपर से कैंसिल करें, एक को। सही है, ओपनिंग गूगल। बस ये विंडो बंद कर देंगे, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। और पीछे जो वो खुला हुआ है उसको भी बंद कर दें।
ये इसको नहीं, ये तो मेरी क्लास हाँ है नहीं ये ब्राउज़र, टर्मिनल। हाँ नहीं इस टर्मिनल को भी रहने दें इसकी, खैर ये ब्राउज़र बंद करेंगे तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्लास से, सही कह रहे हैं आप। अब आप दबाएंगे कमांड स्पेस, नहीं इसको छोड़ दें बस, कमांड स्पेस दबाएं और यहाँ पे गूगल लिखें, GOO यस क्रोम लिख दें, सिर्फ आ जाएगा फ़ौरन सामने वो। हाँ एंटर कर दूं? जी एंटर कर दें स्पेस। सर कर दूं डायरेक्ट या इसको प्रोसेस करूं? हाँ ये अब स्किप का बटन दबा दो बस, उसकी खैर है, बस नया टैब खोलो तुम, ये टैब छोड़ दो इसको, एक नया टैब ओपन करो, इसको बाद में तुम करते रहना, गूगल क्रोम का नया टैब ओपन करो और वहाँ पे वो पेस्ट करो जो तुमने कॉपी किया है, एंटर करो। अब इसमें कॉन्सोल ओपन करके देखो, राइट क्लिक करके कॉन्सोल करो, इंस्पेक्ट लास्ट वाला, अब यहाँ पे जो है ना एरर्स आ रहे होंगे अगर कोई है तो, चेक कौन करें सर, मुझे तो नजर नहीं आ रहा ये कोई बॉडी और पे डबल क्लिक करो, बॉडी जो लिखा हुआ है, इस पे। हाँ डबल क्लिक करना था उस पर, बॉडी के ऊपर। यार ये क्या सीन है तुम्हारे, तुमने फाइल सेव नहीं की है शायद, दिखाओ जरा फाइल दिखाओ अपनी। एक मिनट, तुम ना वीएस कोड को बंद करो, वीएस कोड मुझे लग रहा है तुमने गलत खोला हुआ है, वीएस कोड को जाओ फोल्डर दिखाओ मुझे कहाँ पर है वो तुम्हारा, सर क्या दिखाऊं आपको, वीएस जहाँ कोड? नहीं जो फोल्डर तुमने वीएस कोड में खोला हुआ था वो फोल्डर दिखाओ मुझे, वो कहाँ पर है। वो तो यहाँ तो नहीं होगा, ये जो सबसे फर्स्ट वाला ये था रहा ना, सर, हाँ इसको डबल क्लिक करो जरा, इसके अंदर जाओ क्या है। इट्स माय फर्स्ट फाइल रिपोजिटरी। अरे ये तुमने व्यू कौन सा किया हुआ है, इसको व्यू चेंज करो, इसका ऊपर टॉप पे जो व्यू का बटन आ रहा है ना, हाँ इसको चेंज करो, लिस्ट कर दो इसको या कुछ और कर दो। अच्छा ये तुम्हारी, ये तो टेक्स्ट फाइल है तुम्हारी, HTML तो नहीं है इसके अंदर, HTML फाइल कहाँ बनाई है तुमने। सर HTML भी पर मैं देखता हूँ, मैंने HTML हाँ सेव ये तो देखो ना, किया। तुमने गड़बड़ की भी है ना इधर, एक मिनट सर, ये टेक्स्ट है। इसका भी व्यू चेंज कर दो। अच्छा वैसे इसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है ना वो लिस्ट नहीं होता, वो वापस जाओ उधर, वो कौन सा व्यू होता है डिफ़ॉल्ट इसका, उस पे करो इसको, वापस डेस्कटॉप पे क्लिक करो, हाँ इस पे व्यू व्यू जाके चेंज करो ज़रा। अच्छा ये जो है ना कॉलम्स इसका होता है डिफ़ॉल्ट व्यू, थर्ड नंबर पे जो आ रहा है, सही है ये कॉलम्स होता है डिफ़ॉल्ट, इसी की आदत डालो। सर मेरे ख्याल से मैंने वो रात में डिलीट कर दिया था, लेकिन मेरे पास यहाँ पे तो वीएस कोड में तो फाइल शो हो रही है। वीएस कोड मुझे खोल के दिखाओ दोबारा, यार अच्छा फुल स्क्रीन जो तुम करते हो ना ऐसे नहीं करो, फुल स्क्रीन सर कैसे करूँ? उसको वापस छोटा करो, और ये जो ग्रीन वाला बटन है ना इसके इसके थोड़ा सा राइट साइड पे डबल क्लिक करो, ये जो फुल स्क्रीन का जो ग्रीन बटन है ना उसके राइट साइड पे हल्का सा राइट करके फिर उस पर क्लिक करो,
तुम्हारी स्क्रीन शायद स्टक हो गई है मेरे पास। अच्छा, तुम्हारा मुझे माउस मूव होता हुआ नहीं दिख रहा। तुम्हारी सर ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तुम्हारी स्क्रीन शायद स्टक हो गई है मेरे पास। तुम्हारा यस मेरे ख्याल से सर हाँ अब दिखा है। नेटवर्क इशू है। अब दिखा है। अच्छा ये रीसेंट ओपन रीसेंट जो होता ना रीसेंट में तुम जाओगे तो तुम्हें ये नज़र आ रहा होगा। रीसेंट लिखा हुआ है ना जो तुमने इससे पहले ये रहा सर यस। हाँ करो इस पर क्लिक करो रीसेंट के ऊपर। यस ये देखे सर यहाँ तो है मेरे पास। अभी मेरे पास लोड ही हो रही है स्क्रीन ये इंडेक्स सर मैंने वो जैसे आपने बताया ना फाइल डॉट टीएक्सटी में एक और नहीं, फाइल ऐड करनी है। ये इंडेक्स की फाइल है। इंडेक्स की फाइल पे तुम राइट क्लिक करना जरा। इंडेक्स की फाइल पे राइट क्लिक करके करो ओपन फाइल लोकेशन आ रहा होगा रिवील इन फाइंडर तक तीसरे नंबर पे। ये तुम्हें बताएगा फोल्डर में ये कहाँ सेव किया हुआ तुमने। ये फोल्डर में देखो तुमने कहाँ सेव किया हुआ है। ये तुमने डेस्कटॉप के ऊपर और माई फर्स्ट रेपो के अंदर जाके ये सेव किया हुआ तुमने। ठीक है अब देखो ये तुम्हारी रिपोजिटरी के अंदर नहीं है ना ये है अंदर। इसमें हिडन फाइल शो करने के लिए तुम दबाओगे कमांड शिफ्ट और डॉट। ये दबाओ एक साथ कमांड शिफ्ट और डॉट तुम्हारी हिडन फाइल शो हो जाएंगी। अच्छा सही है तो ये तुम रूट पर हो। और ये नीचे जो माई फर्स्ट रेपो QRS एक और लिखा हुआ ये क्या है। डबल डबल क्लोन कर लिया ना तुमने। एक को डिलीट करना पड़ेगा। एक को डिलीट करना पड़ेगा दोनों में से। अच्छा अब तुम क्या करोगे ये जो जो माई फर्स्ट यहाँ पे ना अब तुम टर्मिनल खोलो। कैसे खोलोगे यहाँ पे टर्मिनल खोलो यहाँ पे टर्मिनल। ये माई फर्स्ट रेपो QRS क्लास के अंदर तुम्हें टर्मिनल खोलना है। इसको मैं लिख दूंगा CD डेस्कटॉप पहले उसके बाद। अच्छा पहले पहली बात तो ये तुमने जो फोल्डर है ना ये बनाया हुआ है होम की डायरेक्टरी में ना। होम की डायरेक्टरी में समटाइम कुछ इश्यूज आते हैं परमिशन के। तो पहले ये जो माई फर्स्ट रेपो QRS क्लास है ना इसको ड्रैग करके तुम डेस्कटॉप के ऊपर ले जाके फेंको ना। पहली बात तो तुम ये करो पहला काम इसको ड्रैग करके तुम डेस्कटॉप के ऊपर ले जाओ ताकि परमिशन का इशू कोई ना आए तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारा माउस मूव होता हुआ नहीं दिख रहा। ये तुमने कहीं और ही पेस्ट कर दिया बच्चा। ये ऊपर ही तो था डेस्कटॉप इसी रो में ऊपर है। नहीं नहीं कैंसिल करो वो तुम और पीछे लेके जा रहे हो वहाँ तो और मसले हैं परमिशन के। ये वाला डेस्क अच्छा ये रहा ऊपर। ये इसी इसी में जहाँ तुम ना तुम्हारा माउस है ना इसी में ऊपर डेस्कटॉप आ रहा है। माउस तुम्हारा जो जब तक डेस्कटॉप के वर्ल्ड पे नहीं होगा ना ये थोड़ी जाएगा। जो पी डेस्कटॉप के पी तक तो लाओ एटलीस्ट माउस अपना। तुम चेक तो करें सर ये ऊपर वाला डेस्कटॉप में मिला है। हाँ, यही डेस्कटॉप है। अभी ये देखें मैं इसके ऊपर एक मिनट। अरे यार तुम मुझे लग रहा है आज फर्स्ट डे तुमने ये खोला है कंप्यूटर। नहीं नहीं सर वो क्या नाम है HP वाले से इस पे MacBook पे आया हूं ना तो इसको यूज नहीं कर रहा। मैं यही तुमसे कह रहा हूं कि शायद तुमने ये फर्स्ट टाइम आज खोला है जब ही तुम्हें ये ड्रैग क्योंकि ड्रैग करने में थोड़ा इसमें लगता है मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है इसका ड्रैग ड्रॉप। तो मैं काम करो इसको बाहर ले आओ ये इधर वॉलपेपर पे लाके छोड़ दो इसको। यहाँ से भी हो जाएगा वॉलपेपर जो है ना। हाँ इधर लाके हाँ बाहर चल ये इधर आ गया डेस्कटॉप पे आ गया बस। ठीक है वो विंडो बंद कर दो अब तुम अपनी। अब तुम अपना VS कोड ओपन करो। ठीक है यहाँ पे टर्मिनल अगर नहीं खोलना आ रहा तो छोड़ दो बस VS कोड ओपन कर लो। मुझे अभी समझ आया मैं समझा तुम मुझे अभी समझ आया कि तुम थोड़ा न्यू हो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। VS कोड खोलो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। यार मुझे तुम्हारी स्क्रीन अब शायद स्टक है। वेल VS कोड खोल के ना मुझे दिख नहीं रहा लेकिन VS कोड खोल के तुम ऊपर जाओ और ओपन फाइल पे क्लिक करके ना ओपन फोल्डर करो। सही है ओपन फोल्डर का वाला ऑप्शन यूज़ करो। मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही अब तुम्हारी। हेलो 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 हमाद हाँ भाई हमाद क्या मौजूद हो तुम क्लास में।
चलो भाई ये तो गया। हम्माद अगर मौजूद हो तो अपनी स्क्रीन रोक के दोबारा शेयर कर दो। तुम्हारा शायद इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, तुम्हारी आवाज़ आ रही है ब्रेक होके आ रही है। अच्छा यार ये तो हम्माद का प्रॉब्लम हमने देख लिया। हम्माद का प्रॉब्लम बाय द वे ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। इनका प्रॉब्लम ये था कि जब ये कॉपी पाथ करके पेस्ट करते थे ब्राउज़र में तो वहाँ पे इमेजेस शो हो जाती थी, तो वो तो मसला इनका सॉल्व हो गया। गूगल क्रोम ब्राउज़र जैसे ही हमने इंस्टॉल किया तो वो चलना शुरू हो गया, लेकिन स्टिल ये समझ नहीं पा रहे कि इनकी फ़ाइल फोल्डर कहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो हम देख रहे थे लेकिन अभी ये स्टक हो गई इनकी स्क्रीन। अच्छा जी, और हमारे पास जो लोग कनेक्टेड हैं वो अभी बनाए हैं इसको ना, जिन्होंने नहीं बनाया एग्ज़ाम की वजह से या किसी भी वजह से वो अभी बनाए इसको, सही है। और अपनी स्क्रीन सब लोग शेयर कर दें, जिन्होंने नहीं बनाया वो सारे लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और अभी बनाएं, क्योंकि जब तक आप ये असाइनमेंट नहीं बनाएंगे मैं आपको आगे तो नहीं पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में ना आई हो या आप किसी पॉइंट पे स्टक हैं, तो मैं अभी आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो किसी के पास कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। है किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये आपने कल बोला था कि अपने गिटहब के अकाउंट पे कोड कॉपी करके टर्मिनल में लिखो तो फिर आप जाते हो उधर कोड डॉट ऐड करके, तो आप फिर उस पे जाते हो। हाँ। तो इसका कोई डायरेक्ट वे नहीं है, मतलब जब भी हम दोबारा खोलेंगे तो पहले उसको कॉपी करना पड़ेगा, फिर वहाँ आना पड़ेगा, फिर वहाँ क्लोन करना पड़ेगा? नहीं, वो एक बार आपने क्लोन कर लिया तो आपके कंप्यूटर में आ गया ना वो, अब आपने दोबारा क्लोन थोड़ी करना है उसको। तो फिर डायरेक्ट वो खोलेंगे हम? हाँ, डायरेक्ट आप वीएस कोड खोलोगे, उसमें वो पहले से कोड लिखा हुआ होगा आपके पास, आप उसमें टाइप करोगे आप नया कोड जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करके आप वो तीन स्टेप जो है ना गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश, ये आप चलाओगे तो गिटहब डॉट कॉम पर पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस कोर्स में मैं हर जो असाइनमेंट आपको दूंगा ना, हर असाइनमेंट के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन ये होगी कि आप एक नई रिपॉजिटरी बनाएं, क्योंकि रियल लाइफ में भी क्या होता है कि हम हर प्रोजेक्ट के लिए अलग रिपॉजिटरी बनाते हैं, ठीक है। तो आपका हर असाइनमेंट एक नया प्रोजेक्ट होगा, वो पुराना वाला। अब जैसे ये सीवी बना लिया आपने, अब अगला असाइनमेंट आपका सीवी नहीं होगा, अब वो कुछ और होगा, मे बी वो कैलकुलेटर हो छोटा मोटा कोई, मे बी कोई वो टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर हो। तो जितने भी नए आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, हर असाइनमेंट इट वुड बी अ न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको हर असाइनमेंट के लिए एक नई रिपॉजिटरी बनानी है। पुरानी वाली रिपॉजिटरी में दो असाइनमेंट आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने ऐसा किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए इसका देखो रीज़न ये है, बार बार नई रिपॉजिटरी बनाओगे ना तो तुम्हारा हाथ सेट हो जाएगा, तुम्हें आदत हो जाएगी नई रिपॉजिटरीज बनाने की ना, क्योंकि गिटहब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त। गिटहब की वो रेपुटेशन हो गई है मार्केट में कि अगर कोई बंदा बोलता है ना टेलर हूँ मैं, और वो अगर बोले कि यार मुझे कैंची पकड़नी नहीं आती, या कैंची से तो नहीं करता मैं तो चाकू से काटता हूँ कपड़े को, तो आप क्या उसके पास कपड़े सिलवाएंगे? आप कहेंगे भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, मैं कोई और बंदा देख लेता हूँ, ठीक है। तो इस वक्त जो है ना ये github.com जो है ये कैंची है और आप टेलर हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हम यूज़ करते हैं ना USB में कोड डाल के ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या गूगल ड्राइव में कर रहे हैं, या ज़िप करके ईमेल भेज रहे हैं, वो सब चाकू है। तो अगर आपने किसी क्लाइंट के सामने या किसी आप इंटरव्यू में गए ना और आपने बोला ना कि मुझे चाकू से तो काटना आता है कपड़ा, कैंची मैंने कभी नहीं पकड़ी, तो वो बोलेंगे कि यार आप टेलर नहीं है, फिर आप कुछ और हैं, आप कसाई हैं, आप गोश्त काटे जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये कहने का कि अगर आपको गिटहब नहीं आता ना, तो आपके डेवलपर होने पे, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर पूरे करियर पे सवालिया निशान है, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये सबसे पहले आना चाहिए। और आप कोई फ्रीलांस का प्रोजेक्ट पकड़ेंगे ना, बंदा बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करेगा कि इसको तो गिट आता ही होगा, वो डायरेक्ट आपको भेजेगा अपने गिटहब रिपॉजिटरी का लिंक। अब वो आप रिपॉजिटरी का लिंक जब देखेंगे तो आपके तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको गिटहब तो आता ही नहीं होगा, तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द कोर्स हमारे साथ साथ चलेगा, ये गिट और github.com। सर जो आपने ये कहा था कि विजुअल कोड में डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पावर शेल से चेंज करके किसी और में करनी है, सर वो किस में करनी थी? गिट बैश आपके पास शो होना शुरू हो गया होगा, गिट आपने इंस्टॉल कर लिया ना, तो गिट के साथ साथ एक गिट बैश के नाम का एक टर्मिनल इंस्टॉल हो जाता है आपके पास, वो कर लें, वो सबसे बेस्ट है।
पावर शेल मेरे में तो बैश नहीं आ रहा, कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है, जावास्क्रिप्ट आ रही है, विंडोज पावर शेल आ रही है और पावर शेल आ रही है बस। तुमने गिट इंस्टॉल किया हुआ है ना? किया हुआ है। अपनी स्क्रीन शेयर करो जरा, देख लेता हूँ मैं क्या आ रहा है। हाँ भाई शेयर हो रही है स्क्रीन तुम्हारी? शेयर का बटन डिसेबल आ रहा है क्या? शेयर का बटन डिसेबल आ रहा है वो जो शेयर का बटन जिस जिस बॉक्स में खुला है ना, उस बॉक्स में छोटी छोटी स्क्रीनें बनी हुई हैं, उसमें से एंटायर स्क्रीन वाला सेलेक्ट करो और फिर शेयर का बटन दबाओ। हो गया, हाँ यहाँ पे यार कमांड तुमने गिट इंस्टॉल किया हुआ है? हाँ जी सर। जाओ इंस्टॉल है, उस पर टर्मिनल खोलो। अरे तुमने ये विंडोज वो की भी है ना 11, अब ये विंडोज 11 स्पेसिफिक इशू लग रहा है कोई मुझे। वेल तुम सी एम डी सेलेक्ट कर लो फिर, अगर ये पावर शेल के अलावा ना सी एम डी सबसे बेस्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट सही है। अब तुम इसको बंद करके खोलोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। जब इस टर्मिनल को तुम डिलीट करो, डिलीट करो टर्मिनल को और दोबारा नया टर्मिनल ओपन करो। डिलीट का बटन आ रहा है टर्मिनल के साथ ही, टर्मिनल के क्रॉस पर डिलीट का बटन आ रहा है। हाँ अब दोबारा से नया टर्मिनल खोलो। टर्मिनल खोलने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बैक टिक। सही है, अब देखो ये सी एम डी खुला है तुम्हारे पास। CMD आ गया। अब पावर शेल नहीं, पावर शेल में असल में इन्होंने कुछ नए परमिशन के कुछ फैसिलिटीज़ डाली हैं जो एक नॉर्मल यूज़र के लिए फिर सर का दर्द बन जाता है। ओके जी भाइयों, किसी और के पास कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू? सर वो सॉरी नेट चला गया था, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ कंटिन्यू करो, दोबारा शेयर कर लो स्क्रीन। अच्छा VS कोड खोल रहे थे हम, VS कोड खोलो। यस सर, ये फाइल ओपन कर ली थी। इसमें ओपन फोल्डर करो, ओपन फाइल नहीं करना, ओपन फोल्डर जाओ ऊपर 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 करो और कर्सर को फाइल आ रहा होगा एक। हाँ ये ओपन जो आ रहा है ना, ये ओपन ये वाला नहीं करना तुमने, ऊपर टॉप पे एक फाइल का बटन आ रहा होगा वहाँ से ओपन करो वहाँ। ये सर और ऊपर करो भाई, तुमने ये फुल स्क्रीन की हुई है ना। हाँ ये फाइल आ रहा है ऊपर। सर ये एक सवाल पूछ रहा है मुझे, आप फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सर ये जैसे अभी आपने रेपो की बात की थी कि हमें नई रिपोजिटरी बनानी होगी, हाँ तो वो जैसे जो हमने पहले नेम वाली बनाई है उसके अलावा दूसरी बनानी होगी, उसमें फिर हम सारे सबमिट करें? हाँ ऐसा ही है। और सर ये जो हमने शुरू से रिपोजिटरी बनाने में इतना सब कुछ किया, दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट बन जाएगी ये? असल में आपको लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया है, ये इतना बड़ा कुछ था नहीं। मैंने देखें, जब मैंने क्लास शुरू की थी तो मैंने भी एक रिपॉजिटरी बनाई और आप उसको क्लोन किया, उसमें कोड लिखा, उसको पुश किया, ना मेरे पास कोई एरर आया और ना मुझे कोई इतना ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो आपको भी ना इसी लेवल पे लाना है अपने आप को। ठीक है, तो ये आप डेली बेसिस पे आप ये नॉर्मल होगा भाई, पानी पीते हो कोई मेहनत लगती है, सांस लेते हो कोई मेहनत लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो रोता है, बड़ी ज़ोर से रोता है, और ये नॉर्मल बच्चे की पहचान होती है कि वो रोएगा। तो वो इसलिए रोता है, मेडिकल साइंस बताती है हमें कि वो पहली दफ़ा उसको ज़िंदगी में सांस लेना पड़ता है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उससे पहले उस सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं होती उससे पहले उसको। तो ज़िंदगी में पहली बार उसको सांस लेने में इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी मेहनत लगती है कि वो बेचारा रोता है। सही है, तो एक वक्त ऐसा भी था आपकी ज़िंदगी में जब आप सांस लेने में आपको बहुत तकलीफ़ हुई थी और आप रोए थे। ठीक है, तो ये थोड़ी देर की तकलीफ़ है लेकिन आप फौरन ही आपको इसकी आदत हो जाएगी, फिर आपको ये फील नहीं होगा। अच्छा जाओ भाई इसमें ओपन फाइल पे क्लिक करो और ओपन फोल्डर का बटन दबाओ। अब जाओ डेस्कटॉप पे जाओ, वो वाला फोल्डर सेलेक्ट करो, डेस्कटॉप पे क्लिक करो। हाँ फोल्डर कौन